नहीं है बट पुकार वहां पे डाउन जरूर किए गए। वहीं पे सेवन सीक बात करें पूरा सदन एज उनके पास रहने वाला है। रेक्स एक और नॉक निकालेंगे विद द डीपी डेस्ट्रो डाउन गबलो बॉय क्या प्रिपेयर बचे बट नहीं एक और प्लेयर वहां पे स्काईलाइट का सर्वाइव करा बट टीम एक्स पार्क को आप देखें माफी का क्या वो ग्रेनेड आएगा आया है वो ग्रेनेड ग्रेनेड था या स्मोक वो हमें देखना पड़ेगा शायद वो स्मोक था नहीं वो ग्रेनेड था पुकार वहां पे डाउन किए जाएंगे माफी के द्वारा बट माफी की बात करें तीन फर्स्ट एड किट उनके पास इस वक्त रहने वाले बट स्काईलाइट दो प्लेयर के साथ सर्वाइव करते हुए बिल्कुल स्काईलाइट अभी पीछे से भी उनके प्लेयर मौजूद है आगे से वैसे भी हमें स्प्रे आते हुए नजर आ रहे हैं मवी आखिरी प्लेयर यहाँ पे सर्वाइव करते हुए और वो आखिरी फर्स्ट एड यहाँ पर लगाने के लिए जाएंगे क्या जाते जाते स्काईलाइट गेमिंग की मुश्किलें वो बढ़ा सकते हैं बिकॉज पांचवें फेज का दोनों डैमेज यहाँ से बहुत ज्यादा आने वाला है मवी आगे की तरफ जा रहे हैं उनको स्पॉट भी किया जाएगा कुछ स्पेस भी जा रहे हैं स्काईलाइट गेमिंग की मुश्किलें बढ़ाने की कोशिश एक खिलाड़ी नॉट बट जोन को आउट रन नहीं कर पाएंगे एलिमिनेशन टीम एक्स पार्क का 10वें फाइनल के पास एरिया अच्छा टैक्टिकल वहां पर एक टॉप निकाला देव के ऊपर और अब वो जो रश है वो यहां पर आता नजर आएगा लेकिन हिटमैन वहां पे डार्क की मोलोटोव से डाउन होते हुए नजर आएंगे टैक्टिकल किट बहुत ही ज्यादा लो ऑन एचपी और अब टीम यू डॉगलेट भी यहां पर कैसे हैंडल करते इस पर्टिकुलर पुश को वहां पे फियरलेस ने स्पॉट नहीं किया खिलाड़ी को वो ऊपर पे वहां पे आते लेकिन फियरलेस चले फाइनल उन्होंने स्पॉट के एक में को डाउन भी किया है फियरलेस एंड डार्क के दो खिलाड़ी यहां पर मौजूद हैं टैक्टिकल की पूरी स्क्वाड को एक एक करके धराशाही करते हुए नजर आ रहे हैं किड जो कि आखिरी प्लेयर वहां पर बचे थे इनफैक्ट वहां पर इकलौते खिलाड़ी बचे थे उनको फिनिश ऑफ किया गया और अब टैक्टिकल की अगर हम बात करें मात्र एक प्लेयर उनका बचता है जिसको जोन के अंदर जाना है सेवन सी वो भी इस मौके का फायदा उठा रहे जोन के अंदर जाने की कोशिश टीम रेवेनेंट के ऑन कोर अभी भी सर्वाइव करते हैं प्रिंस का स्वागत किया जाएगा अभी के द्वारा वहां पर नॉकआउट होते हुए नजर आएंगे डार्क खैर उनके पास अभी भी एक बेहतरीन कंपाउंड है बट सेवन सी उनका एक इकलौता खिलाड़ी अलादीन सर्वाइव करता हुआ दर्शक बन के जो देख रहे हैं वो है निकमा की स्कोर बट टैक्टिकल के प्लेयर को उन्होंने कैसे वहां पे छोड़ दिया हिटमैन जो डाउन हुए थे मॉली से उनको यहाँ पे रिवाइव कर दिया गया दोनों प्लेयर हिटमैन एंड क्लच यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं यू डॉग का भी शायद एक आखिरी प्लेयर फियरलेस वो बचेंगे अपनी टीम से 1v2 काउंट के लिए सिचुएशन होने वाला बड़ा ऑस्किन बॉर्ड एक विद द टीपी अलादीन डाउन 7-0 की स्कोर इस मैच से बाहर वहीं पे टैक्टिकल की बात करी जाए वो बेखत्म हो गए फियरलेस 1v2 करते हुए और टॉप 3 टीम 6 प्लेयर सर्वाइव करेंगे बड़ा एनिग्मा को देखें एक बढ़िया विनर विनर चिकन डिनर उनका इंतजार कर तो रहा है बट ये जो 8वां सर्कल है अगर उनसे दूर गया तो वो कंपाउंड से बाहर निकलने नहीं वाले वेल फियरलेस इज रियली फियरलेस जिस तरीके से वहां पर उन्होंने अपने आप को जो पोजीशन थी वो होल्ड करने के बाद एक बढ़िया 1v2 निकाला अभी ऑन कोर्ट को उन्होंने स्पॉट करके डाउन किया है फियरलेस 7 फिनिशर्स ऑलरेडी निकाल चुके हैं यू डॉग के पास 11 फिनिशर्स हमें देखने को मिलते हुए एलिमिनेशन यहां पर हो जाएगा एक और टीम का नाम रहेगा रेवेनेंट नाउ इट्स अ 1v3 इट्स बिटवीन टीम एनिग्मा वर्सेस टीम यू डॉग फियरलेस क्या चाहते जाते एक क्लच यहां पर कर सकते हैं एनिग्मा को उनकी एग्जैक्ट लोकेशन जरूर से पता रहने वाली है ग्रेनेड भी यहां पर स्पैम की जाएगी फियरलेस जो वो भी यहां पर एक ग्रेनेड जरूर से करें बट लेट सी कितनी देर तक सर्वाइव कर पाएंगे ग्रेनेड आएगा रेक्स को बहुत ही ज्यादा लोअर एचपी के एक प्लेयर को डाउन भी कर चुके हैं वो फियरलेस टीएससी के प्लेयर डैडी यहां पर पिक करते नजर आएंगे मावी भी यहां पर एक पिक निकालेंगे टैक्टिकल के हिटमैन का सॉरी टैक्टिकल के प्लेयर का हिटमैन अभी यहां पर बचे हुए और नेड किए जा रहे एक नेड हिटमैन का जाता है दो प्लेयर डाउन करते हैं और नेड और नेड परेड वेल समवन गिव देम एन अम्ब्रेला cuz an artillery strike is raining down on them टैक्टिकल के प्लेयर्स नंबर्स एडवांटेज उनके पास है बट क्या फाइट का एडवांटेज वो निकाल पाएंगे एक और प्लेयर यहां पर डाउन किया जा सकता है गिल को डाउन किया जाएगा एक आखिरी प्लेयर यहां पर बचे हुए हैं और दूसरी साइड दो प्लेयर्स हिटमैन और उनके साथ साथ क्लच मावी उनके पास एक नीड है इस पेड़ के पीछे वो नीड 100% करना चाहेंगे नीड उन्हें अच्छे तरीके से कुक किया डैमेज यहां पर देगा जरूर बट मावी के ऊपर फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं मावी एक प्लेयर को डाउन करेंगे नीड अभी भी मावी पे किया जा रहा है क्लच इज लास्ट ऑन सर्वाइविंग 61 बुलेट फॉर मावी 61 बुलेट टू सर्वाइव 61 बुलेट फॉर मावी बट विल इट मैटर नो इट वोंट cuz टैक्टिकल What a play! के प्लेयर इस मैच में खासा मुश्किल में आपको देखने को मिलने वाले टॉप डॉग एचपी उनकी बहुत ज्यादा कम है अपने आप को हील करेंगे बट वाइल्ड वहां पे मौजूद है बट रेवेनेंट का ऑस्टिन बॉट पिछले मैच में बहुत बढ़िया गेम दिखाया था डीपी से बट इस मैच में उनको और आगे जाना पड़ेगा पैराडॉक्स खो चुके हैं बट इनको और की बात एक बढ़िया ग्रेनेड आगे के साइड पे गया टैक्टिकल वाइल्ड वो डाउन हो सकते थे दोनों प्लेयर एक साथ व्हीकल में बैठे थे ओशन बड़ा आप देखें किस्मत बड़ी अच्छी निकले बट ओल्ड ओल्ड इसी के साथ उनका सफर यहीं तक इस मैच में जीवनदान मेसी जीवनदान ऐसा देखने को मिला टैक्टिकल के प्लेयर्स के लिए क्योंकि वो ऑलमोस्ट फाइट उनकी हो सकती है वेल रेवेनेंट वो असिसाइड दरबार हाइड्रा से देखने को मिल सकता है जोन के अराउंड ये फाइट हो रही है जो रोटेशन काटने की बात होती है वही यहां पर करने की कोशिश प्रोबेबली हो सकती है वहीं पर वैक्सी की बात करें तो वो क्लच गॉड को पिक करते नजर आएंगे दैट मींस बिल्कुल एक फिनिश के साथ वो एलिमिनेट हुए बट मैटी की बात करें जो थोड़ी देर पहले रेवेनेंट के प्लेयर कोशिश कर रहे थे कि ग्रेनेड के प्लेयर को डाउन करा जाए मैटी पहले ग्रेनेड उसके बाद वेपन एक बढ़िया स्प्रे वहां पे एक प्लेयर को डाउन किया गया और अब
हैदराबाद हाइड्रास के पास ये मौका हो सकता है सर्कल के अंदर निकलने के लिए, क्योंकि उन्होंने एक प्लेयर को डाउन किया। फिनिश स्पीड अगर रीड कराओगा तो उनको भी पता होगा कि सामने जो टीम है उनके प्लेयर इस वक्त कितने सर्वाइव करे। बट इस ब्लॉक दूसरे साइड पे इनको क्या तो डाउन किए गए, बैटी मौजूद थे, बट आप देखे हैदराबाद हाइड्रास क्या वो एलिमिनेट हो गए, क्या वो एलिमिनेट हो गए। यस बिल्कुल, व्हाट हीरो डाउन किए जाएंगे। जो जोन है इसने अब एक हलचल पैदा कर दी है जहां पर टीम्स एक एक करके मुश्किलों में आती हुई। टीम्स के लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें यहां पर बन रही है पोचिंग की। एक ऐसा एरिया जो हर किसी को पता है, लेकिन उसी के अराउंड यहां पर फाइट्स होने वाली हैं। आरी स्पोर्ट्स के प्लेयर्स, आप देखिए सुपारी गैंग के प्लेयर्स को दिक्कत देने की कोशिश। क्रैश डाउन किए गए थे, निखिल दूसरी तरफ को नजर आ जरूर रहे हैं, लेकिन इन सब चीजों के बीच में आप देखें तो जादू एक नेट करना चाहते हैं डी सिंह के ऊपर। ग्रेनेड जाएगा पर वो ग्रेनेड अपने मार्कर पर एग्जैक्टली तो नहीं लग पाएगा। डीसी कभी भी वहां पर जीवित पोचिंग के पीछे के एरिया पर ये फाइट हो रही है, हर साइड से नेड्स किए जा रहे हैं। आरी स्पोर्ट्स के प्लेयर्स जादू को इनफैक्ट यहां पर पिक किया जाएगा निखिल के एक नेड के द्वारा। एक और नेड प्रॉब्ली यहां पर करना चाहते लेकिन नहीं, पहले निखिल खुद अंदर जाना चाहते और प्लेयर्स जो नॉकडाउन पड़े हैं उनको पिक करने की यहां पर अच्छी खासी कोशिश हो सकती है, लेकिन उससे पहले अपने प्लेयर को रिवाइव दिया जाएगा। डीसी को ये टीम खो चुकी है, क्रिश को नहीं खोना चाहते यहां पर निखिल को, उनको प्लेयर्स चाहिए। बट एक अच्छा नेड यहां पर बहुत सारी चीजें बदल सकता है, बट ये जो ग्रेनेड है दरवाजा ही मैक्सिमम फोड़ पाएगा, लेकिन जो रिवाइवल है क्रिश का वो दिया जाएगा और निखिल खुद पीछे जाते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर क्रिश ने बहुत ही बेहतरीन रोल प्ले किया। मेरे ख्याल से उन्होंने जो क्रिश को फिनिश नहीं किया उसका खामियाजा भुगत रहे अभी टीम आरी स्पोर्ट्स, क्योंकि क्रिश ने वहाँ पर एग्जैक्ट जो लोकेशन वगैरह थी वो जरूर से बताई थी अपने ओपोनेंट की। रॉकस्टार अब वो आगे की तरफ जाएंगे, ऊपर ऑलरेडी खिलाड़ी मौजूद है, यहाँ पर रॉकस्टार इतने ओपन में मौजूद है। मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि ऊपर वाले जो खिलाड़ी है उन्होंने स्प्रेस क्यों नहीं दिए। मीनवाइल गिल जो है वो यहाँ पर फिनिश ऑफ होंगे, इसके साथ एलिमिनेशन हमें देखने को मिल जाएगा टीम एक्स पार्क का भी। लेकिन आरी स्पोर्ट्स वो यहाँ पर मौजूद है, टीएसजी के एक प्लेयर वहां पर ऑलरेडी थे बट उसके बावजूद उन्होंने अभी तक कोई शॉट्स उनके ऊपर लिए नहीं। आगे की तरफ जा जरूर से रॉकस्टार क्लोज रेंज कॉम्बैट की एक बीस्ट गन जो थॉमसन रहती है वो इनके पास मौजूद, लेकिन यहाँ पर फाइनली क्रिश ने वो जो एक रुके हुए थे वो उन्होंने फाइनली वहां पर जो कुछ गन शॉट्स है वो लिए एंड कनेक्शन भी बनाया, बट अब वो भी यहां पर डाउन होते नजर आ सकते हैं। काफी ज्यादा लो एन एचपी क्रिश यहां पर देखने को मिलते हुए, बट अगेन टीएसजी उनका कमबैक यहां पर जरूर से आ चुका है। आरी स्पोर्ट्स वो जो उन्होंने यहां पर एक गलती करी उसका बड़ा भुगतान यहां पर भुगतते हुए उनका रोटेशन तो एक अलग ही लेवल पर यहां पर नजर आया। काफी तेज तरार ये लोग आए हैं और टीएसएम के प्लेयर्स ने गाड़ी लगा दी है बिल्कुल सामने। ये खराब है या सही पता नहीं, बट टीएसएम के प्लेयर्स पूरा पूरा तैयार है इस फाइट चलने के लिए, क्योंकि प्लेयर्स ने एक प्लेयर को डाउन किया खुद ऊपर की तरफ आना चाहते हैं। उनको पता चलेगा कि नेड सामने आया था बट वो रुकना नहीं चाहते। ये नेट जैसे जाएगा, इनफैक्ट मल्टीपल नेट जहां पर किएंगे, बट जैसे ही नेट खत्म होंगे टीएसएम उनको एक ग्रीन सिग्नल मिलेगा ऊपर जाने का। इनफैक्ट ऊपर वाले प्लेयर को भी यहां पर पिक किया गया है, एक्सो के प्लेयर्स वहां पर टैक्टिकल के ऊपर जा चुके हैं, बट देव का ही नेट था वो जो देव को लेकर के जाता है। दूसरी तरफ से अगर हम लोग बात करें तो टीएसएम के भी एक प्लेयर को यहां पर डाउन किया गया है, शैडो रिवाइवल उनको मिल जाना चाहिए, बट टैक्टिकल वेल उनको बाहर का रास्ता यहां पर दिखाया गया है। टीएसएम के प्लेयर्स वो भी दिक्कतों में, रेवेनेंट के प्लेयर्स कॉल्ड लाइक से फाइट ले चुके हैं, हर तरफ फाइट शुरू हो चुकी है, बट व्हाट इज हैपनिंग बाय टीएसएम। यूडॉक के प्लेयर्स एक प्लेयर को पिक करेंगे, लेकिन ये मोलोटोव उनके टीममेट पर था जो बट सामने फाइट ले रहे हैं, खुद को डिफेंड कर रहे हैं बाय एवरीथिंग दैट ही हैज फॉर राइट नाउ, बट अब डार्क अकेले प्लेयर बचे हैं सामने जाकर के। ही विल हैव टू वॉच हिज लेफ्ट प्रोबेबली बिकॉज अभी गलत डायरेक्शन में देख रहे हैं, बट जो पहले जो फिनिशेस हैं वो शायद यहां पर निकालना जो चाहेंगे। एक स्मोक करेंगे बिल्कुल सामने और उसके बाद शायद वो फिनिश करना चाहें बिल्कुल सामने, बिल्कुल स्पॉट किया, बट यूडॉक को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। निंजा जॉर्ड अभी तीनों खिलाड़ी एक स्प्रे तीन फिनिश लेकिन स्प्रे गॉड यहाँ पर उस चीज के लिए नहीं जाएंगे, अभी भी हील बैटल करने के लिए जा रहे। मीनवाइल अबरार को डाउन किया जाएगा स्काउट के द्वारा, टीम एक्स पार्क यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएंगे एक दो के द्वारा, दो फिनिश उनके पास मौजूद। यहाँ पर स्प्रे गॉड जो है वो हमें एक्शन में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन एक्सो के फियर्स उनको फिनिश ऑफ करेंगे। कहीं ना कहीं तीन फिनिशेस उनके पास जा जरूर सकते थे लेकिन वो होगा नहीं। टीम एक्सो अभी भी सरवाइव करते हुए, टीएसएम अभी भी सरवाइव करते हुए, आप देखिए वो दो टीम जो प्रबल दावेदार पहले पायदान के लिए हमें देखने को मिल रही है वो सरवाइव करते हुए, साथ ही साथ स्काईलाइट गेमिंग डेस्ट्रो अभी भी उनके पास चार फर्स्ट एड मौजूद हमें देखने को मिलेंगे और मात्र 5 सेकंड के अंदर जोन का अगला शिफ्ट भी आने वाला है। चलिए मुझे लगता है कि यही इनका समापन यहीं पे खत्म होने वाला, बट मैं सोच रहा हूँ स्प्रे गॉड एक और डब्बे पड़े हुए यहाँ से भी वो सामने ही फर्स्ट एड पड़ा हुआ, उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अबरार वो यहाँ पे खत्म हो चुके हैं, चलिए एक फर्स्ट एड आखिरी उनके पास है, क्या इस डब्बे से उनको कुछ मिला
या फिर नहीं वो हमें देखना पड़ेगा। चलिए एक मिला, ओ बूस्टर लगा रहे हैं, मुझे लगता है लेट हो गया, यानी देखना पड़ेगा। मैक्सी वो भी खत्म हो गया, चलिए लेट हो गए वो। इसी के साथ तीसरे पायदान 10 प्लेसमेंट पॉइंट लेके जाने वाली है। इसी के साथ व्हाट हेलो, रेकनिंग की स्क्वाड एलिमिनेट हो गई एंड ओके दूसरी स्क्वाड में कुछ ज्यादा एक्साइटमेंट हो गया, मुझे लगा कुछ और एक्स्ट्रा चीजें मैंने देखी बट नहीं, मुझे कुछ और वहां पे दिखा जरूर था। और चलिए इसी के साथ टीएसएन के दोनों प्लेयर यहां पे सरवाइव करेंगे। एक्सो की बात करी जाए, उनके दो प्लेयर रहेंगे, 7 फिनिशेस उन्होंने भी निकाले हैं, बट टीएसएन एक्सो दोनों में से कोई भी चिकन निकाले, मुझे लगता है कि जो चिकन निकालेगा वो पहला स्थान, जो दूसरे स्थान पे रहेगा वो दूसरा स्थान, ओवरऑल स्टैंडिंग में हमें देखने को मिलने वाला है। बिल्कुल 2v2 का ये सिनेरियो रहने वाला है और जो दांव पे लगा है वो है पहला पायदान। लेट्स सी यहां पर क्या होने वाला है, जोन का स्विंग कब आएगा। टीएसएन के निंजा चॉर्ड प्लेज ओपी है, दोनों खिलाड़ी यहाँ पर तैनात जरूर से रहने वाले। पंख उनके पास एक कवर भी रहने वाला है, जो ब्रोकन वॉल का कवर है वो जाता हुआ निंजा चॉर्ड के फेवर में। और अब इन प्लेयर्स को, इन टीम को एक दूसरे के करीब आना ही पड़ेगा। लेट्स सी कि क्या कोई हील बैटल के लिए जाता है फिर नहीं। प्लेज ओपी के जस्ट पड़ोस पे वहाँ पे फियर जो वो मौजूद जरूर से रहने वाले, वहाँ पर कुछ शॉट जो वो भी पंख का वो ग्रेनेड ऑन पॉइंट जाएगा। निंजा चॉर्ड एक 1v2 का सिनेरियो और उनकी पोजीशन जो पूरी तरीके से रिवील रहेगी। फियर एक पर लेकिन गॉडलाइक के प्लेयर्स के ऊपर टैक्टिकल के प्लेयर्स आए हैं। टैक्टिकल के प्लेयर को यहां पर नॉक कर फिनिश किया जाएगा नियो के द्वारा, अपनी टीम को पहला फिनिश दिलाते हुए। और टैक्टिकल के प्लेयर्स सोच रहे होंगे इस समय कि क्या हुआ है। बिल्कुल, और आप ये देखे कि वो घर के अंदर गए, उनको लगा कि ये जी गॉड वो घर के अंदर मौजूद थे, बट नहीं वो घर के ऊपर मौजूद थे। टैक्टिकल के अभी दो प्लेयर हैं, ग्रेनेड किया गया अंदर के साइड पे, बट देव वहां पे किनारे के हाथों डाउन किए गए, अंदर ग्रेनेड थे, फटेगा कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ पे टैक्टिकल के प्लेयर को एक और मौली गया बट थोड़ा सा निशाना छूका जरूर है। क्लच गॉड का, बट फियरलेस की बात करें वो भी डाउन हो चुके हैं। और इसी के साथ यूडॉक के दोनों जो प्लेयर हैं शायद खत्म हो जाएंगे, क्योंकि देव वो तो खत्म हो गए हैं, फियरलेस भी खत्म हो जाएंगे। बट ये ग्रेनेड कनेक्शन बनाएगा, शायद बनाएगा, यस बिल्कुल। वाइल्ड डाउन हो चुके हैं और इकलौते वहां पे प्लेयर रहेंगे, बट चलिए जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी के साथ टैक्टिकल वो एलिमिनेट हुई, बट टीएसएम वर्सेस गॉडलाइक, टीएसएम एकदम से आ चुके हैं, बट गॉडलाइक के प्लेयर्स भी पूरे नहीं है। जोनाथन वो पीछे नजर आ रहे थे, इंडिया सब जाकर के आ चुके, बट टीएसएम वो तो तैयार है, उन्होंने हल्का सा हमला यहाँ पर बोला था और अब उनको आगे जाकर के फाइट करनी पड़ेगी। जोनाथन की तरफ से नेज किए जा रहे हैं, नेज काफी करीब थे, यहाँ पर थोड़ा बहुत डैमेज प्लेयर्स को दिया गया था। दूसरे पोल्ड उठ के प्लेयर्स की फाइट यूडॉक से हो चुकी है, जिस फाइट की हम बात कर रहे थे, और वहां पर यूडॉक के प्लेयर्स को एक करके डाउन किया जाएगा। जोनाथन का एक नेज जाएगा, इन पार्टिकुलर को पिक करेंगे और खुद को कवर में रखते हुए नजर आ रहे हैं। क्लासिक जोनाथन यहाँ पर दिख रहे थे, नियो भी आगे जाएंगे और एक और प्लेयर को यहाँ पर टेक डाउन करने की कोशिश करेंगे, इन पार्टिक डाउन करेंगे भी। गॉड लाइक वर्सेस टीएसएम 2-1 का यहाँ पर जो इनका स्कोर लाइन चल रहा है उसको लेवल अप करने के लिए गॉडलाइक के प्लेयर्स कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट उनको ये गेम चाहिए भी। पीछे से प्रिंस 7C के आते हैं और जो एक डॉग था वो यहाँ पर एक्वायर करेंगे और एक और प्लेयर जो जो ब्लॉक्स यहाँ पर किए थे वो सारे फिनिशेस 7C उठा चुकी है। बट मुझे लगा कि जोनाथन शायद वो व्हीकल ब्लास्ट कर सकते थे, उस प्लेयर को डैमेज भी बहुत ज्यादा पड़ा था, एक आंख और शॉट लगा होता चलती गाड़ी से वो प्लेयर गिर जाता। बट प्रिंस की बात करी जाए, दोनों फिनिशेस उन्होंने चुरा लिए, दो फिनिश अपनी टीम के लिए। क्लच गॉड सामने खड़े हैं, बट आप इतना ज्यादा ओपन में नहीं रह सकते। सामने वाला मिनी टैप शॉट बेहतरीन चलाता हुआ, और 7C प्रिंस की बात करी जाए एक नॉक निकाला, बट अलादीन को आप देखे कितना ज्यादा क्लोज जा चुके हैं गॉडलाइक के। और फिलहाल के लिए गॉडलाइक की जो दिक्कतें हैं ज्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अब आने वाला है रश 7C का। 7C के प्लेयर्स तैयार हैं इस रश को करने के लिए, इनफैक्ट उनको जो मिला जैसे मिला उसको चला के आगे आ चुके हैं 7C के प्लेयर्स। आप देखिए स्प्रे गॉड नजर आ रहे हैं उनके हाथ में, था जरूर मोलोटोव लेकिन उनको डैमेज जाएगा ग्रेनेड से। सी गॉड के हाथ में एक और ग्रेनेड जो यहां पर वो कुक कर रहे और प्लेयर को स्पॉट किया जा चुका, काफी अच्छा ग्रेनेड रह सकता है, बट मोलोटोव विल टेक सी गॉड डाउन। यस इट विल, सारंग का मोलोटोव जाएगा, वो डाउन हो चुके। गॉड लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ केओस, बट गॉड लाइक थ्राइव्स ऑन केओस। एक एक करके प्लेयर्स को पिक करने की कोशिश, क्लच गॉड के पास तीसरा फिनिश आ चुका और उनके सामने दो और फिनिशेस रह सकते हैं अगर क्लच गॉड अपने पत्ते सही तरीके से यहां पर खेले। लुक एट दिस, अंदर की तरफ को जाना चाहते हैं या नहीं वो अभी भी डिसाइड कर रहे हैं। थोड़ा सा स्लो पेस पर ये फाइट अभी के लिए जा चुका है, बट एक अच्छा ग्रेनेड 7C की तरफ से आ सकता है। प्रिंस डाउन हो जाएंगे एक्सो के द्वारा, फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी, वेल इट्स अ पार्टी ओवरऑल। एक ग्रेनेड यहां पर किया जाएगा, वो ग्रेनेड अपने निशाने पर लगा है नहीं अभी के लिए, बट वेल लग चुका था। ऑलराइट, एक पे एक और यहां पर आता है, इंस्टेंट नॉक फिनिश यहां पर किया गया सामने की तरफ को प्लेयर्स, बट 7C को बाहर का रास्ता दिखा दे। गॉड लाइक के प्लेयर्स अभी भी जीवित, बट आपको ये चीज समझनी है कि आगे एक्सो भी तैयार रहता, उसको बना करके लेटे एक्विनॉक्स पे भी गोलियां चल रही है। बट इस सब के बीच में टीम एक्सपा को ये नहीं भूलना है कि साइड में हैदराबाद हाइड्रास भी विराजमान है। अल्ट्रॉन की एचपी काफी लो,
उनको आगे मूव करना है। ब्लेज ओपन एरिया में थे, उनको भरपाई करनी पड़ेगी। एक्विनॉक्स आखिरी प्लेयर पड़े हैं, उनको भी भरपाई करनी पड़ेगी। और मावी यहां पर फिनिशेस लेकर के जाते हैं ये दोनों अपनी टीम के लिए। टीम एक्सपाक हैदराबाद हाइड्रास के सामने, जो अभी तक मीरामार को रूल करते रहे हैं, उनके सामने टीम एक्सपाक विराजमान। एक बेहतरीन विनर, विनर चिकन डिनर यहां पर ये लोग निकाल सकते हैं कैरी, लेकिन एक ग्रेनेड से केल को डाउन करेंगे। 2v3 का ये सिचुएशन बन चुका है। मावी अभी के लिए लूट कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद को आगे की फाइटिंग पड़ेगी। कौन नहीं चाहता किल की एचपी बहुत ज्यादा लो, अल्ट्रॉन तक शायद ना पहुंच पाए तो वो तो पिक हो ही जाएंगे। वो फिनिश पॉइंट हैदराबाद हाइड्रास के पास जाएगा, पर टीम एक्सपाक पकड़ लिया। लेकिन ये जो 100 गोलियां रहती है इस वेपन में अभी के लिए 99, खैर 150 रहती है, बट अभी के लिए 99 जो गोलियां हैं वो यहाँ पर जरूर काम में लाना चाहेंगे मैंटी इस फाइट को निकालने के लिए। साथ में 18 गोलियां उनकी M4 के अंदर भी पूरे तरीके से तैयार। But is it enough in this 2v4? But अभी भी फाइट शुरू हुई नहीं है। 4v2 का यहाँ पे सिचुएशन होता हुआ, मैंटी वहाँ पे ड्रॉप का एयरड्रॉप का इस्तेमाल किया गया लेवल 3 का अल्टीमेट में। उनके पास एक स्काउट को बिल्कुल भी अंदाजा है कि मैंटी इस वक्त कहाँ पे प्रेजेंट रहने वाले, मावी शायद उसका अंदाजा नहीं। और इसी के साथ उन्होंने डैमेज देने की कोशिश करी, कामयाबी हासिल नहीं होने वाली। कैरी लास्ट प्लेयर बचेगा अपनी टीम से, मावी सीधा आगे निकलते हुए देखना पड़ेगा। मावी डाउन करेंगे यहाँ पे Exactly, वहां पर उनको ही पता है कि जोन के अंदर रहना कितना ज्यादा महत्वपूर्ण रह सकता है। TSG की मीनवाइल बात करें, बिल्कुल ओपन एरिया में रेवरेंट की स्क्वाड ऊपर मौजूद जरूर से है, ये मुश्किल भरा हो सकता है। यूडॉक के मिस्टेक जो है वो आएंगे, सेंसाई को डाउन उन्होंने किया। निखिल जोन के पास एक बहुत ही बड़ी ऑफ गार्ड एंगल, आप देखिए वहां से वो टीम रेवरेंट की मुश्किलें बढ़ सकती है। लेकिन उससे पहले ऑनकोर का वो ग्रेनेड जाएगा, डैडी को उन्होंने डाउन किया, जो फिनिश है वो भी वहां पर इजीली सिक्योर किया जा सकता है। ग्रेनेड वहां पर काम किए जा रहे, टी सिंक वो क्या रिवाइव देने के लिए जा सकते हैं, वो एक बड़ा सवाल जरूर से रहने वाला है। लेकिन लगातार ग्रेनेड जाएंगे, टी सिंह का एक ग्रेनेड आएगा, ऑन कोर जो है वो यहाँ पर डाउन किए जाएंगे। और अब प्रेशर में आ सकते हैं टीम रेवरेंट के खिलाड़ी भी। बस देखना चाहता हूँ कि निखिल जिनके पास एक बहुत बढ़िया एरिया है वो कब इस फाइट में इन्वॉल्व होने के लिए आएंगे, क्योंकि अगर वो उस ऑफ गार्ड एंगल से प्लेयर्स को नॉक करते तो जरूर से मुश्किलें में आ सकते हैं टीम रेवरेंट के खिलाड़ी। चलिए डैडी को वहां पर रिवाइवल मिल जाएगा, सेम गोल ऑन कोर एज वेल, उनको भी वहां पर रिवाइवल मिल जाएगा। और अब यहाँ पर हेड टू हेड जो कोलिजन है वो स्टार्ट होने वाला है, टीम रेवरेंट वर्सेस TSG। मीनवेल सुल्तान एक बार फिर से डीपी का कहर बरपाएंगे, इस बार गमला बॉय को डाउन करेंगे। डैडी का ग्रेनेड जाएगा, ऑन कोर को डाउन किया, रिवाइवल एक बार फिर से नीचे टोकर। लेकिन ऑस्टिन वॉटेक्स कितना करीब वो ग्रेनेड गया, निखिल यहाँ पर व्हीकल लेकर के क्लोजिंग कर सकते हैं। टीम रेवेनेंट अभी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल स्थिति में, बहुत ज्यादा दिक्कतों में रेवेनेंट के प्लेयर्स यहाँ पर आ चुके हैं। आप देखिए प्लेयर्स आगे मूव कर रहे हैं, सुपारी गैंग के एक एक करके रेवेनेंट के प्लेयर्स को पिक किया जा रहा है। अब तो बस उनको घर का एरिया देखना, लेकिन वहां पर उन्होंने देखा नहीं ऑस्टिन, उन्होंने एक प्लेयर को नॉक किया, लेकिन उनकी एचपी बहुत कम थी। इनफैक्ट अब तो प्लेयर्स को पिक करने की बारी आ चुकी है, रेवेनेंट के एक प्लेयर काफी लो एचपी पर यहाँ पर, लेकिन वो पूरी गेम की काया पलटना चाहते हैं। रेवेनेंट के प्लेयर्स तैयार हैं, खुखार हैं, वो यहाँ पर फाइट्स लेने के लिए पूरे पूरे तरीके से तैयार। लेकिन बैकअप आया जरूर है सुपारी गैंग का, इज दैट इनफ? वेल लुक्स लाइक मेबी मेबी नॉट। टॉप डॉग आखिरी प्लेयर बचे हुए, उनको आखिरी प्लेयर भी नहीं छोड़ा जाएगा। सुपारी गैंग ये फाइट निकाल के अपनी टीम को देते हुए एक और टीम को बाहर करा।